किया मोटर्स ने पिछले साल 2019 में भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाई थी। उन्होंने जो पहला प्रोडक्ट पेश किया था वो एसयूवी किया सेल्टोस था। 2020 की शुरुआत में किया मोटर्स ने भारतीय बाजार में किया कार्निवल एमपीवी के लिए अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसके इंडियन डेब्यू के बाद एक नई किया कार्निवल जल्द ही अपनी ग्लोबली शुरुआत करने के लिए तैयार है। कार्निवल एमपीवी का नया वर्जन करंट वर्जन के मॉडल की तुलना में अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा और साथ ही ये 4 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपलब्ध होगा। किया कार्निवल एक नई पीढ़ी की इस साल की दूसरी छमाही में कोरियाई बाजार में शुरुआत करेगी और ये नया वर्जन करंट जनरेशन की तुलना में और भी बेहतर पेशकश करने का वादा करता है। अन्य बातों के अलावा इसे 4 सीट कॉन्फ़िगरेशन भी मिलने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर के पीछे एक रो होगी जिसमें दो कप्तान सीटें शामिल होगी। हालांकि इस 4 सीटर कार्निवल की कोई भी ऑफिशियल तस्वीर अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि इसकी सीट्स असाधारण स्तर की सुख सुविधाओं की पेशकश करेगी। इसका मतलब है कि ये कैब से कई ज़्यादा जगह देगी और उम्मीद है कि सीटें बेहद आरामदायक होगी और सुविधाओं के साथ ये भरी होगी। कार्निवल के साथ 4 सीट कॉन्फ़िगरेशन भी पेशकश करके किया ने अपने लक्षित दर्शकों को बढ़ा दिया है। नई अगली पीढ़ी की किया कार्निवल को भारत में 2021 के दौरान लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ये अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी क्योंकि मौजूदा 2.2 लीटर डीजल इंजन 200 ब्रेक हॉर्स पावर पैदा करता है और 8 स्पीड ऑटोमेटिक से मिलता है। करंट जनरेशन की किया कार्निवल मॉडल 7 सीट, 8 सीट और 9 सीट कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है और इसकी कीमत 24.95 लाख रुपए और 33.95 लाख रुपए एक शोरूम भारत में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।